नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रभात। आप पत्रकार बनना चाहते हैं, जर्नलिज्म करना चाहते हैं, पत्रकारिता में काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको जब भी योग्यता की बात आती है तो आपको ये पता नहीं होता कि मैं कोर्स कहाँ से करूँ, कौन सा कोर्स कर सकता हूँ, उसकी फीस कितनी होती है और उसके लिए योग्यता क्या होती है, कितने वक्त का कोर्स होता है, किस तरह से इस परीक्षा को पास करने के लिए तैयारी की जा सकती है, उनके एड्रेसेस क्या हैं जहाँ से इन कोर्स को किया जा सकता है। ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप किसी संस्थान के साथ ही नहीं, आप अपना खुद का भी एक न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चैनल खोलकर काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इसके बेसिक्स समझते हैं तो आप और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन इसमें आजकल बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। देखिए, पत्रकारिता के कोर्सेज आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से या फिर गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस होते हैं वहां से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं जहां की ऑथेंटिसिटी होती है, जहां की डिग्री को या डिप्लोमा को वैलिड माना जाता है, वहां से आप कोर्स करें। हर जगह कोर्स में दाखिला लेने का अलग तरीका होता है, लेकिन एक कॉमन तरीका जो होता है वो होता है एक एडमिशन टेस्ट। और एडमिशन टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जनरल नॉलेज के सवाल इसमें होते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर, इसके सवाल होते हैं जिसके लिए आप अखबार अगर रोज पढ़ते हैं तो आपको करंट अफेयर का पता होगा, इन दिनों क्या कुछ चल रहा है। ये समसामयिक विषय होते हैं जिनको लेकर सवाल होते हैं। हल्के फुल्के सवाल जर्नलिज्म को लेकर पूछे जाते हैं, मसलन हेडलाइंस को लेकर पूछे जाते हैं, अखबारों के संपादकों के नाम को लेकर पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत जर्नलिज्म से जुड़ी जो हिस्ट्री है उसके बारे में पूछा जाता है। तो आप इन तीन चीज़ों की अगर तैयारी करें तो बहुत आसानी से आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आपका एडमिशन उस कोर्स में हो सकता है। कई जगह पर ये एडमिशन का प्रोसेस भी नहीं होता, लेकिन ऐसा अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो चलिए आप कोर्स की शुरुआत की बात करें तो आप 12वीं के बाद, यानी कि अगर आपने 12th कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, चाहे आपने आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, मैथ से किया है, बायो से किया है, किसी भी स्ट्रीम, कॉमर्स वगैरह से, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। 12th के बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं, चाहे तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं और या फिर आप डिग्री कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स जो होते हैं वो कम वक्त के होते हैं, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी भी उसी हिसाब से थोड़ा कम होती है। लेकिन अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं, डिग्री कोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, आप ग्रेजुएट वाले डिग्री कोर्स कर सकते हैं और पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले डिग्री कोर्स कर सकते हैं। डिग्री कोर्सेज में अगर हम बीए के सिमिलर अगर कोर्सेज की बात करें तो इसमें अलग अलग नाम हो सकते हैं। कुछ जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेज हैं उन्होंने इनके नामों को अलग अलग तरीके से किया हुआ है। कोई इसको BJMC कहता है, किसी ने इसका नाम BAJMC रखा हुआ है, BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिर BAMC यानी कि BA इन मास कम्युनिकेशन, ये ग्रेजुएशन वाला कोर्स माना जाता है। इसके बाद अगर आप मास्टर डिग्री की बात करें तो इसमें भी इसी तरह से नाम बदल जाएंगे, जैसे BJMC के बाद आप MJMC कर सकते हैं, BAJMC के बाद आप MAJMC कर सकते हैं और BAMC के बाद आप MAMC कर सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स इसके लिए हैं। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग में करना चाहते हैं तो आपके पास इग्नू और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से करना चाहते हैं जिसकी बहुत अच्छी मान्यता है, जहां पर बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, तो उसके लिए आपके पास दो तीन ऑप्शन हैं जो मैं आपको बता देता हूं। इनकी फीस क्या है, कितना कौन कौन सा कोर्स है, कितने वक्त का कोर्स है, इसकी सारी जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। एक तो है हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, दूसरा है IIMC और तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है। ये तीन थोड़ा सा वैलिडिटी में ज़्यादा बढ़िया हैं। इनके कोर्सेज की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी की। हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो वहाँ पर BA के समकक्ष जो है वो BAJMC करवाया कोर्स जाता है और इसकी जो मियाद है करीब 3 साल की है। इसके अलावा आप MA कर सकते हैं वहाँ से जर्नलिज्म में, वो 2 साल का कोर्स है, और फिर आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं, ये 1 साल का कोर्स है। सबसे पहले BAJMC की बात करें तो ये 3 साल का जो कोर्स है इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं और 120 सीट इसमें फ़िलहाल रखी गई हैं जिन पर एग्ज़ाम के ज़रिए एडमिशन होता है। MA में कुछ और कोर्सेज इनके साथ हैं, MA इन मीडिया स्टडीज़, MA इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, MA इन न्यू मीडिया, MA इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ये सारे कोर्सेज 2-2 साल के हैं, 4 सेमेस्टर इसमें होते हैं और इनमें एडमिशन के लिए सिर्फ 30 सीट होती हैं। इसके अलावा PG डिप्लोमा की बात करें तो PG डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म,
पीजी डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, पीजी डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग और पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड मास कम्युनिकेशन। ये सारे कोर्सेज एक एक साल के हैं और इसमें 30 सीट इन्होंने रखी हुई है। फीस की बात करें तो इसमें अलग अलग जो कोर्सेज हैं उनकी फीस क्या है वो आपको बता देते हैं। बी ए जे एम सी की जो फीस है वो करीब 35,000 के आसपास है। एम ए जे एम सी की जो फीस है अलग अलग कोर्सेज में लगभग ये भी 35,000 के आसपास है। और पी जी डिप्लोमा जो कोर्सेज हैं ये सेल्फ फाइनेंस फीस सिस्टम के जरिए हैं और इसकी जो फीस है वो करीब 15,000 रुपये है। इसका ऑफिस जयपुर में है और इसकी वेबसाइट क्या है, कौन सी कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी क्या है जिनसे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो राजीव गांधी विद्या भवन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में है। और कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं इस नंबर पर 0141-2710123। ईमेल आईडी जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं registrar@hju.ac.in, दूसरा है registrar.hju@gmail.com। आप चाहें तो इनकी जो वेबसाइट है hju.ac.in पर भी संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इनका जो एकेडमिक कैंपस है वो खासा कोठी मिर्जा इस्माइल रोड जयपुर पर है और यहां का मोबाइल नंबर है 9935914999 और ईमेल आईडी है director@hju.ac.in। अब बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की। यहां पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के अलग अलग कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के बारे में आपको बताते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो यहां पर बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस मल्टीमीडिया, बैचलर ऑफ साइंस ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लेटरल एंट्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स रिसर्च फिल्म एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अगर बात करें तो वो जो कोर्सेज हैं वो ये हैं, मास्टर ऑफ साइंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 2 साल का कोर्स, 4 सेमेस्टर, 30 सीट इसमें हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी जिसकी आजकल काफी मांग है, मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ आर्ट्स डिजिटल जर्नलिज्म इसकी भी काफी मांग है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस न्यू मीडिया, मास्टर ऑफ आर्ट्स एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, मास्टर ऑफ साइंस फिल्म प्रोडक्शन, मास्टर ऑफ साइंस मीडिया रिसर्च, मास्टर ऑफ फिलॉसफी मीडिया स्टडीज, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। अब इसके लिए आप संपर्क कहां कर सकते हैं, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूं। इनका एड्रेस है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, इन फ्रंट ऑफ एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी, बिशनखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर है 9893557565, लैंडलाइन नंबर है 0755255523। इनका ईमेल आईडी है admission@mcu.ac.in। आप इनकी वेबसाइट पर भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, वेबसाइट है mcu.ac.in। एक और इंस्टीट्यूट बढ़िया है जो दिल्ली में है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसका एड्रेस है JNU न्यू कैंपस, अरुणा आसफ अली मार्ग, न्यू दिल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर है 011-2674135226742920-2674107 एक्सटेंशन नंबर है 233। ईमेल आईडी है academicimc1965@gmail.com और इनका वेबसाइट एड्रेस है iimc.nic.in।
ये वीडियो जिस वक्त मैं बना रहा हूं, जिस दिन अपलोड कर रहा हूं, उस वक्त तक की ये जानकारी है। वक्त के साथ हो सकता है इनमें कोर्सेज की डिजाइन में, फीस में, इनकी ड्यूरेशन में कुछ फर्क आए, लेकिन ये बेसिक जानकारी, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं, ये थोड़े ऑथेंटिक हैं। लेकिन इसके अलावा आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर वहां पर आप जाते हैं, कोर्सेज की फीस वहां अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको उसके ऑथेंटिसिटी को जानना बहुत जरूरी है। वो क्या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और उनसे किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हैं, ऑथेंटिकेट हैं या नहीं, एक्रीडेशन उनका है या नहीं, उससे उसकी ऑथेंटिसिटी को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, जर्नलिज्म सीखना चाहते हैं, तो आप तक ऑथेंटिक डिग्री भी इस पढ़ाई के बाद पहुंचे। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी नोटिफिकेशन से अपने आप पहुंच जाए। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एक खास मेंबर बनते हैं। आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स बटन पर क्लिक करें, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो के लिए आपके सपोर्ट से हिम्मत पाता रहूं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा, आगे और किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। आप सारे सोशल प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ सकते हैं, इनके सभी हैंडल मैंने इस वक्त स्क्रीन पर आपको बताए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे के सारे हैंडल मौजूद हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।